अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और भाई किंग्स पिजन आज आई हुई है केसरिया बालमा, आओ नी पधारो मारे देश। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम लोग राजस्थान में आए हुए। वैसे तो कल आपने लाइव वीडियो देखी ली थी मेरी, तो राजस्थान में हम साबिर भाई कुरैशी इनके कबूतरों से आपको रूबरू कराने वाले हैं। साबिर भाई मूल राजस्थान के हैं, राजस्थानी हैं और अभी फिलहाल मुंबई में जाके बसे हुए हैं। और लेकिन उनका जो शौक है उनको हमेशा राजस्थान की मिट्टी में हमेशा बुलाता रहता है। तो अभी उनके कबूतरों से मैं इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि मैंने सोचा कि आपको भी उनके कबूतरों का शौक कराऊं। और राजस्थान की मिट्टी की अगर बात आई है तो राजस्थान ने बहुत बड़े बड़े सपूतों को, बहुत बड़े बड़े महायोद्धाओं को जन्म दिया है। और राजस्थान की मिट्टी बोलते हैं योद्धाओं वाली भूमि है ये, बहुत सारे योद्धाओं को जन्म दिया है भाई यहाँ पे। तो भाई राजस्थान की मिट्टी की अगर बात आई है तो यहाँ के महाराणा प्रताप, राजा जय सिंह और जो बड़े बड़े जो मिले लक्ष्मण सिंह, आज लक्ष्मणगढ़ में आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जयपुर से 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है। गांव तो नहीं, अभी बहुत अच्छे यहाँ पे लोगों ने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। जो हम बॉम्बे में सुख नहीं प्राप्त कर सकते घरों का, वैसे बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शौक यहाँ पे, कबूतरों के शौक भी बहुत अच्छे हैं। और उसी के साथ अच्छे हैं हमारे साबिर भाई। तो 160 किलोमीटर दूर जयपुर से हम लोग आए हुए लक्ष्मणगढ़, आज आपको बहुत अच्छे कबूतरों का शौक कराने वाला हूँ। हो सकता है ये देसी कबूतर तो वैसे आपको मैंने बहुत अच्छे दिखाए हैं, लेकिन यहाँ के लाए हुए कबूतर सब लोगों के मैंने आपको वहां दिखाए मुंबई में और अलग अलग जगहों पे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ पे कबूतरों ने अपना, कबूतरों का जो गढ़ बोलते हैं टोंक वाले राजस्थानी बड़े कबूतर जो होते हैं उनका शौक कराऊंगा, जिनकी सारों की टाइमिंग शाम शाम तक की है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और साबिर भाई कुरैशी जी को इन्वाइट कर लेते हैं। साबिर भाई, साबिर भाई सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आपकी भाई हमारी आपकी मेहमान नवाजी में हमें रखा और इतना प्यार दिया सबसे पहले। तो भाई व्यूअर्स, ये है साबिर भाई कुरैशी जो कि राजस्थान के। अभी फिलहाल साबिर भाई कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मुंबई में मीरा रोड रह रहे हैं। और थोड़े शाय किस्म के हैं, वीडियो पे आते टाइम देखे थोड़ा सा ऐसा घबरा रहे। घबराने की बात नहीं है, सब अपना परिवार ही देख रहा है ये वीडियो को। तो साबिर भाई कितने साल से ये शौक है और आप गांव में रहते हैं, कबूतर यहाँ है तो दिल लगता है आपका? क्या करेंगे, अपना शौक है तो यहाँ आना पड़ता है शौक के लिए। जी जी। और कितने साल से शौक करते हैं? 20 साल से। और सारे देसी कबूतर रखे हुए? देसी रामपुरी है, भूरे रामपुरी गोल्डन है जी, और टोंक वाले पट्टे वाले देवबंदी कबूतर है। और कितने, कहाँ से लगा आपको ये शौक? शौक तो मेरा यहाँ राजस्थान से लगा हुआ छोटे भाई। क्या रीजन क्या था, कैसे, मतलब वो स्टोरी जानना चाहता हूँ मैं कि भाई बचपन में हमारे मामू है ये पालते थे शौक। जी जी जी, हम जाते आते थे। जी जी जी, इनसे हमारे को शौक लगा हुआ। हनीफ भाई को भी इनवाइट कर रहे हैं। सलाम वालेकुम चाचा। तो भाई हनीफ भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनीफ भाई आपके मामा जी है, बड़े मामा। हाँ, तो हनीफ भाई मामा जी है, थोड़ा पास में आ जाइए, इतने दूर नहीं। तो हनीफ भाई इनके मामा जी, और हनीफ भाई का इंटरव्यू भी एक लिया हुआ है, वो कबूतरों की पहचान कैसे की जाए वो भी आपको इससे पहले, इसके बाद, ये वीडियो के बाद मैं डालूंगा शायद। तो साबिर भाई थोड़े अभी डर रहे हैं, थोड़े वीडियो के सामने आने आपके थोड़े शाय किस्म के लग रहे हैं। वैसे तो आप एकदम हंसमुख है, ट्रेन में भी लोग को इतना एंटरटेन कर रहे थे, पर अभी आप एकदम अचानक से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सबसे पहले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना फैमिली देख रही है अपनी पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साबिर भाई अभी मैं ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ, आधी, मामा जी आपके लिए भी ये सवाल है मेरे से, ऑल ओवर आधी इंडिया घूम चुका हूँ। आधी इंडिया में 70% to 60% सारे मद्रासी कबूतर या पंजाबी कबूतरों का शौक हो रहा है। अभी बोलते हैं कि मद्रासी कबूतर पंजाबी कबूतरों की वापसी बहुत अच्छी है और ज्यादा ऊंचे नहीं जाते हैं, बाज भेरी नहीं मारती है। तब भी आपको देसी कबूतर से प्यार क्यों है, मद्रासी कबूतर से आपको क्यों प्यार नहीं है? देसी कबूतर का रीजन ये है, देसी कबूतर का भी रीजन ये, घर पे वापसी बराबर है जी, लेकिन ये क्या ऊपर जाता है तो भेरी और बाज उसको ऊपर ही रोक देता है। तो इतने अच्छे कबूतर और सहारनपुरी कबूतर आधे आसमान में उड़ते हैं तो घर पे आ जाते हैं, बेरी और बाज दिखता तो लंबे हो जाते हैं। क्या बात, और ये कबूतर बाज के हाथ में आ जाता है, शिरो उड़ता है तो बाज में पकड़ लेता है। तो साबिर भाई इतने अच्छे कबूतर लाना, मामा जी इतने अच्छे कबूतर खरीदना, उनके बच्चे बनाना, फिर उसके बाद बाज बेरी को खिला देना, तो दुख तो बहुत होता है। तो खिलाड़ी के ऊपर दारमदार जी, खिलाड़ी के ऊपर दारमदार, जितना खिलाड़ी अगर अच्छा उसको अगर रखेगा, परवाज करेगा तौर तरीके, उसको अगर उड़ान के अंदर परवाज करेगा, वो हिसाब से कबूतर आसमान में घुस जाएगा तो क्या कभी पकड़ेगा नहीं। वो देसी कबूतर भी बाज भेरी के वार से बच सकता है? बच सकता है ना, वो खिलाड़ी के हाथ में होता है, खिलाड़ी के सब जितना भी है, खिलाड़ी के बनाना पड़ता है, खिलाड़ी के पास है सब, खिलाड़ी बना सकता है।
बाज के आगे कैसा हाथ आता है, कैसा नहीं आता जी, और कैसा उसको नहीं आना चाहिए, वो सब। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, अभी जानना यही चाहते हैं कि बाज बेरे से बचाने के लिए क्या करें। तो आप थोड़ा सा अगर आप बता सके क्या करना चाहिए कि बाज बेरे के हाथ में नहीं आए। उनको खाली सिर्फ उनका तौर तरीका, दाना पानी, खेल सही होना चाहिए। उनका जिगरा कबूतर का रहता है, जो भी धरती का मिलाते हैं कबूतर का, तो बच्चे का जिगरा रहता है वो डरता नहीं है, फेक हो जाता है। दोनों का बच्चे डर जाते हैं, कबूतर डर जाता है, बाज को हाथ आ जाता है। समझ लेगा, एक सिंगल हड्डी, एक लंबी हड्डी, दोनों का अगर जोड़ मिलाएगा तो कबूतर क्या करता है, जल्दी हाथ आ जाता है। तो दोनों का अगर बरोबर अगर सेफ रहेगा हड्डी का जी, तो कबूतर है ना बाज को देखते ही ना आसमान में अलग अलग भिज जाएगा। क्या बात है चाचा, आपकी उम्र अभी कितनी है? हमारी उम्र हो गई कम से कम 61 साल। 61 साल, और कबूतरबाजी के शौक को कितने साल? कम से कम हो गए 45-46-47 साल। 47 साल से आप शौक को देख रहे हैं। तो उस टाइम जो आप शौक करते थे, उस टाइम तो आप बोलते 5-10 रूपये में कबूतर मिलता, दो रूपये में, 3-3 रूपये में, आप 1.5 रूपये में कबूतर मिलता था, 1.5 रूपये में कबूतर मिलता था। और आज जो कबूतर, आज कम से कम कबूतर की जो कीमत है, कम से कम 2-2 हजार, 2.5 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। तो उस टाइम का शौक कैसा होता था और अभी का कैसा है? शौक टाइम पे क्या है कि खाली ऐसे दाना पानी डालते थे और उड़ान परवाज करते थे जी, उड़ा देते आदते, उसका ध्यान नहीं देते थे हमें। आसमान में घुस गए, हम ये सोचते कि शाम को आएगा तो अपना धंधा पानी चला जाते। क्या बात है, बस यही हुआ करता। उस टाइम कबूतर भी शाम शाम तक उड़ते थे, सिर्फ दानों पे, सिर्फ हम लोग ने देख ले 45-46 साल हो गए दाने के ऊपर कबूतर उड़ाए। हम ये नहीं कि उसको वो तो मेडिसिन वगैरह नहीं था, कोई भी चीज नहीं, सिर्फ बाजरे के ऊपर कबूतर परवाज किए आज तक। क्या बात। और साबिर भाई आप क्या बोलना चाहेंगे मेडिसिन वगैरह के बारे में? आप अभी चालू हुआ है 10-12 साल से मेडिसिन, 8-10 साल से चालू। अच्छा होता है, नहीं नहीं खराब होता है, कबूतर खराब होता है। कबूतर क्या मेडिसिन देंगे, एक दिन उड़ेगा दूसरे दिन उड़ेगा, एक बार कबूतर मेडिसिन से उड़ेगा बाद में नहीं उड़ेगा, बाद में कबूतर अंदर से बोल अंदर खराब हो जाता है, उसकी आदत भी खराब हो जाती है और फिर उड़ता नहीं, पूरे जॉइंट उसके जो दर्द हो जाते हैं। कबूतर को तो गीजा से उड़ाना चाहिए, ताकत की ड्राई फ्रूट वगैरह खिला के उसको गीजा देवे, उससे ही उड़ेगा कबूतर। क्या बात। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का और टेम्परेचर सूरज नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 49 के आसपास टेम्परेचर चालू है। पसीने से अभी हम लोग भीग रहे हैं, धीरे धीरे भीगना स्टार्ट होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर में आपके कबूतर उड़े हुए हैं, कितनी देर तक आपने कबूतर उड़ाया? मतलब मई जून के महीने में भी शाम शाम तक आए हुए कबूतर है हमारे पास, टेडी कसूरी है जी। मई महीने में भी जून तक आए, जून के महीने में भी जो 5-6 बजे कबूतर रात पास भी होता है, दूसरे दिन भी आता है कसूरी कबूतर। बाकी जो हमारे टोंक वाले कबूतर है 1-1.5 बजे तक उड़ते हैं। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप, इंडिया की कबूतरबाजी है और पाकिस्तान की, जैसे अभी भाई कसूरी और टेडी कबूतरों की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है अपने मुकाम पे। भाई पाकिस्तान के जितने भी शौकीन हजरात हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी ब्रीड बनाई है, बहुत सारी अच्छी ब्रीड्स बनाई है जो शाम तक उड़ती है, लेकिन इंडिया की भी जो ब्रीड्स है वो कम नहीं है। तो चाचा जी, अगर हम कंपेयर करें इंडिया की ब्रीड और पाकिस्तान की ब्रीड, तो आपको कौन से ब्रीड पसंद है सबसे ज्यादा? अपनी इंडिया की पसंद। क्या उसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों के मुझसे अभी भाई बोल रहे हैं, जैसे कि भाई के पास चंदा खानी है, वीके है, बजरे है, जितने भी भाई के मुझसे सबसे पहला जो नाम आया वो कसूरी और टेडी। मैं आपको गर्मी का बताया, गर्मी का डर। तो गर्मी में क्या ये जो हमारे टोंक वाले ये नहीं उड़ते हैं? टोंक वाले उड़ते हैं, लेकिन इनका टाइमिंग 2-2.5 बजे का टाइम है, लास्ट 3 बजे तक उड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं उड़ेंगे। लेकिन गर्मी में जो उड़ान की बात बोल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा टेडी और कसूरी उड़ते हैं। तो भाई अभी एक स्वीट डिबेट चालू हो जाएगा यहाँ पे, मामा भांजे में हम लोग डिबेट कराते हैं अभी। तो अभी जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि टोंक वाले 2.5 बजे रुक जाते हैं और कसूरी शाम तक आते हैं, तो क्या है, सही बात है ये? बिल्कुल, बहुत खिलाड़ी के ऊपर धारण कर रहे हैं जी, देखिए बिल्कुल वही सही बात। वापिस से बाबा जी ने आपको सवाल लगाइए, खिलाड़ी के ऊपर कबूतर आकर दाना पानी देगा वैसे क्या उनको परवाज कराएगा वैसे क्या कबूतर? तो आपके हिसाब से टोंक वाले कबूतर भी शाम तक उड़ सकते हैं क्या? कसूरी कबूतर को टोंक वाले कबूतर हरा सकते हैं? दोनों प्रॉपर उड़ते हैं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर नीचे हो। और चाचा, इंडिया के बाहर, इंडिया से कबूतर ले जाने के बाद पाकिस्तान में कसूरी बने, टेडी बने, ये सब इंडिया की नस्ल है, डब वाले बने, चूहे बने, फकीर गुल बने, बहुत सारी नस्लें बनी है जो इंडिया से ले जाने के बाद। तो राजस्थान में भी इतने अच्छे अच्छे कबूतर है, तो अपनी खुद की राजस्थान की कौन सी ऐसी नस्ल है जो पाकिस्तानी कबूतरों के सिमिलर उड़ सकती है? कौन सी ऐसी नस्ल है जो सिमिलर उड़ सकती है पाकिस्तानी कबूतरों के? पाकिस्तानी कबूतर से क्या है कि जितने भी जो इंडिया के जो कबूतर गए ना वहाँ पाकिस्तान में जी, जब जितने सब इंडिया के कबूतरों से नस्ल बनाई है वो खिलाड़ी के ऊपर है। क्या बात। तो खिलाड़ी अगर
उसको मालूम होगा ये कबूतर से ये कबूतरी लगाएगा तो कौन सी नस्ल बनेगा और ये कबूतरी से ये कबूतर नर लगाएगा तो कौन सा नस्ल बनेगा। वो हिसाब से जितना भी जो नस्ल पाकिस्तान में बनता है सब इंडिया से जाता है। पहले जो थे ना और आजकल क्या है जितने भी ओरिजिनल कबूतर जो ईरान से आए हुए कबूतर अब जो ओरिजिनल ये जो पाकिस्तानी है टेडी है कसूरी है उनके सामने जो ईरान से जो कबूतर जो अंडे चुरा के लाते थे ना एकदम बेदाग व्हाइट और मोमिया चूंच के वो सबसे हिट कबूतर। वो नस्ले हैं अभी यहाँ पे अभी है इंडिया में है मेरे पास है। क्या बात है, हो सके तो भाई हम चाचा की भी घर का शौक कराए नहीं आपको नहीं दिखा तो। हाँ तो भाई बहुत बातें हो गई है और पसीना इतना आ रहा है कि भाई ज्यादा बात नहीं करेंगे अब। और आप तो आप भी इंतजार कर रहे हैं मुझे पता है कबूतर देखने का। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम साबिर भाई कुरेशी जी के पास के ब्रीडिंग वाले पे। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं रामपुरी चंदा खानी कबूतरों से। ये देखिए थोड़ा जूम करके जोड़ के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिए आप, जोड़ को दिखाइए जरा व्यूअर्स को। भाई मैं इतनी दूर राजस्थान, कल हमारी ट्रेन भी छूट गई लोकल की जर्नी करके बिना कपड़ों के, क्योंकि मेरा बैग भी घर पे ही रह गया। एक ड्रेस में मैं आया हूँ राजस्थान और अभी ये जो कपड़े पहन रखे हैं साबिर भाई कुरेशी के ये भी बता देता हूँ आपको। लेकिन शौक ऐसी चीज है भाई जो आपको किसी भी बाधा से टकराने के लिए रेडी कर देती है। तो भाई सबसे पहला ये पैर दिखा रहे हैं आपको चंदा खानी कबूतरों रो का। और भाई चंदा खानी कबूतरों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो भाई साबिर भाई आप बताएंगे इनके बारे में, कहाँ की ब्रीड है चंदा खानी? ये ईरान की ब्रीड है, ईरान की ब्रीड है चंदा खानी। लेकिन मैंने ऐसी एक स्टोरी सुनी हुई है कि कोई तो रामपुर में कोई चांद खां साहब बोल के कोई फकीर थे, उन्होंने एक मस्जिद में कबूतर पाले थे। नहीं नहीं, ये चांद खां इनके मालिक का नाम था जी, वे नस्ल रखते थे, इसके लिए इनका नाम चंदा खानी पड़ गया। क्या बात है, तो क्या उड़ान होती है इनको? इनकी उड़ान शाम है, ये कबूतर बहुत उड़ते और घर के बहुत पक्के रहते हैं, नजर के सच्चे रहते हैं जी, और धोखा देते नहीं है। अगर घर नहीं मिला तो भटकेंगे, पूरे गांव में भटकेंगे, लेकिन अपने घर पे बराबर आ जाएंगे। और टेढ़ी कबूतरों में चाचा बोलते हैं कि इन कबूतरों का मेल है, क्या सही बात है? सही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रामपुरी मिला है, लेकिन रामपुरी नहीं, ये चंदा खानी मिले हुए हैं उनमें। और ये क्यों मिले हुए हैं और कैसे मिले हुए हैं, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये मेल है ना। तो सबसे पहले मेल की आंख दिखा, सॉरी थोड़ा कैमरा भाई गिर गया हाथों से। तो मेल की आंख, अच्छा मेल है वो, ये फीमेल है ना, ठीक है ना। तो फीमेल दिखाते हैं पहले, ये फीमेल की आंख देखिए, जूम कर दीजिए भाई पूरी आंखों के अंदर के डॉट्स तक दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये इसकी आंख है भाई। और टेढ़ी कबूतर को जो फूल वगैरह होते हैं आप चोंच के आगे अगर देखेंगे तो फूल बने हुए हैं इनको भी, नाक इनकी सफेद है। तो जो भाई बोलते हैं कि रामपुरी कल्सरों से बने हैं भाई टेढ़ी, तो आपकी सोच शायद गलत हो सकती है, क्योंकि उसमें चंदा खानी का ब्लड मिला हुआ है। और ये कबूतरों की खास बात यही होती है कि भाई शाम, ये देखिए इसके पंख, क्या अभी तो पंख इसके थोड़े झर्री हो गए हैं, ये सारे ब्रीडिंग वाले पैर हैं। ये देखिए कितने मुलायम पंख है और वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया कबूतर ने, ये देखिए क्या बात है। ये इसकी पूंछ है, ये देखिए बिल्कुल बंद, यहाँ से देखिए या इस तरफ से दिखाइए आप, कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए। और ये इसके पंजे हैं, छोड़ के भी दिखाते हैं आपको जोड़ा। अभी तो यहाँ पे पंजों में घुंघरू डाल रखे हैं, तो पंजे आपको इस तरह से देखना पड़ेंगे, ये देखिए। शाम तक की उड़ान के धनी है भैया कबूतर। स्पेशल चंदा खानी कबूतरों का शो कराने के लिए आपको राजस्थान लक्ष्मणगढ़ में लेके आए हैं साबिर भाई कुरेशी जी के पास में। और ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं ये किंग्स पिजन पे चालू, ये तो सभी को पता है। और फिर इसकी खूबसूरती का नजारा कीजिए यहाँ से आप, क्या इसके फूल देखिए आप चोंच के ऊपर। ये फीमेल दिखाइए आपको, सबसे पहले आप मेल दिखाते हैं। और ये देखिए मेल तो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये टेडी पकड़ रखा है हाथ में, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल टेडी जैसा है। ये देखिए इसकी आंख देखिए, और आप क्या बात है भाई, हमारे कैमरामैन प्रशांत भाई बड़ी अच्छी वीडियो बना रहे हैं भाई, क्या बात है। और इनकी आंख थोड़ी मेली टाइप लग रही है मुझे, इनमें लाल आंख कैसे बनी टेडियो की, व्हाइट आंख जो बनी वो भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं उनमें लाल आ जाता है लाल डोरा, क्या बात है, उड़ने से आता है। और ये देखिए भाई परवाज में आते हैं ना तो उसकी सुर्खी आ जाती है, क्या बात है। ये देखिए पंख, और इसने भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ये इसकी पूंछ है, ये ब्रीडिंग वाले पेयर है और बिल्कुल भी हाथ में नहीं आना चाहते। ये देखिए बिल्कुल बंद पूंछ का नर है, ये इसके पंजे हैं,
और आपको पैर छोड़ के दिखाते हैं अभी हम। ये देखिए भाई पैर, ये देखिए भाई ये पैर है पूरा। भाई टेडी कबूतर अगर आप नर को देखेंगे तो देखिए खड़ान, देखिए कबूतर ने सीना भार करके रखा हुआ है, ये देखिए, और ये सीना भार है, बिल्कुल पतली इनकी काठी है। इनमें और दो तीन कबूतर मिक्स करके टेडी कबूतर बने हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जाने कि भाई कौन से कबूतर बने हैं, मिलके बने हैं। और ये देखिए भाई ये मोमिया चोच वाले चंदा खानी दिखा रहे हैं आपको अभी हम लोग। क्या आप मुझसे, मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि सच में इन कबूतरों से टेडी बने हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये एक और पेयर है भाई, रामपुरी चंदाखानी मोमी चोच, व्हाइट चोच में है, और इनकी आंखें देखिए भाई, बारूद की आंखें बिल्कुल शानदार। वैसे तो आपको शौक कराएंगे हम लोग। बस तो नर की आंखों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी स्टार्ट करेंगे नर की आंखों से। बहुत ही खूबसूरती इनमें बलाकी है भाई, और कबूतरों में उड़ान भी बलाकी है। तो ये देखिए नर की आंख दिखाते हैं आपको सबसे पहले। ये इसके पंख हैं, सारे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक। क्या पंख है इनके, हर चीज में भाई संपन्न। इतनी लोकल मतलब जनरल में बैठ के आए थे तो थकान हो गई थी, पूरी थकान मिट गई भाई इनको देख के आज। इनकी पूंछ देखिए क्या बात है। तो ये इसके पंजे हैं, फीमेल दे दीजिए इसको पकड़ लिया। ये इसकी फीमेल है, और भाई आज आपकी स्क्रीन से आप कहीं उठ के जाइएगा मत, क्योंकि आपको आज खजाना दिखाने वाले हैं हम लोग पूरा, जो कि भर भर के रखा हुआ है साबिर भाई कुरेशी ने अपने घर के अंदर। ये रामपुरी कबूतर दिखा रहे हैं आपको, प्योर चंदा खानी रामपुरी। बहुत सारी कहानियां हैं इनके ऊपर, बहुत सारी दंत कथाएं बनी हुई है। कोई उस, कोई फकीर थे उनके पास थे, कोई मस्जिद में थे बोलते उसके पास है, लेकिन कबूतरों में क्वालिटी है भाई, ये बात तो है, चाहे वो किसी के पास की भी हो। ये देखिए वाइब्रेट, ये पूछ एक पत्ती, ये पंजे, ये प्लेट छोड़ के दिखाते हैं आप पास में। ये भी टेडियों में डार्क टेडी अगर आप देखें तो इस तरह के होते हैं, लाइट टेडी भी आते हैं थोड़े, लाइट किस्म के जिनके छीटे छीटे ज्यादा होते हैं, उनको वैसे कबूतर इनसे ही बने होंगे 100% अगर देखो। और अगर मैं आपको बोल दूं कि एक क्रॉस टेडी है तो कोई भी यकीन कर लेगा हाँ एक क्रॉस टेडी होगी, लेकिन ये चंदा खानी कबूतर दिखा रहे हैं आपको, प्योर चंदा खानी, क्या बात है। एक एक कबूतर आप देखिए किस तरह के बने हुए हैं। तो इनमें भाई टेडी टेडी कबूतर बने हुए इनसे, इंडियन ब्रीड हमारे टेडी, हम भी बनाएंगे कोशिश, हम भी करेंगे कि इंडियन टेडी भी बनाए हम लोग। और भाई चंदा खानी सराई वाले दिखा रहे हैं आपको मोमिया चोच में, क्या बात है, व्हाइट चोच फूल बने हुए हैं, गर्दन काली, पंखों पे डॉट्स, क्या बात है भाई। इन कबूतरों को देख के मुंह में पानी आ रहा है भाई। और ऐसी ब्रीड्स और ऐसी नस्लें आपको सिर्फ देखने को मिलेगी किंग्स पिजन पे। तो भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी अच्छे से आपको कबूतर दिखा सकूं। नर की आंख दिखाते हैं आपको, थोड़ा उम्र दराज है नर, लेकिन खूबसूरती देखिए, इसके रिंग्स देखिए आंखों में, फूल इसके पंख है। ये देखिए अभी वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, ये देखिए ये हो गया, ये इसकी पूंछ, और ये इसके पंजे,
ये इसकी फीमेल है, कोई भी सामने से देखेगा बोलेगा अरे टेडी कबूतर पकड़ रखा है। फूल देखिए नाक के ऊपर, आंख देखिए बिल्कुल सही, तो बोल नहीं सकता है कि भाई ये टेडी नहीं है, लेकिन जो सच है वही दिखाते हैं हम लोग। लेकिन इतनी बात 100% मुझे आज पता चल गई कि टेडी कबूतर बने इन्हीं कबूतरों से। इसकी आंख का शौक कीजिए आप हजरात। क्या बात, ये देखिए भाई ये इसके पंख हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं साबिर भाई कि टेडी कबूतरों में इधर एक दो पंख ऐसे काले आना चाहिए। हाँ तो टेडी इनसे बनते हैं ना, क्रॉस करवाते हैं। ये देखिए ना काले इसमें भी हैं। इसका पर है ना जी, टेडी में भी मिलेगा आपको। ये देखिए इधर भी होगा शायद, इधर भी एक दो इधर है पंख काले। ये पूंछ देख लीजिए इनकी, शाम तक के उड़ते हैं भाई ये कबूतर। चंदा खानी कबूतरों का तो रिकॉर्ड ही देखा हुआ है मैंने, शाम तक उड़ते हैं। तो पैर आपको छोड़ के दिखाते हैं, पास आ जाइए थोड़ा। नर यहाँ पे रुक गया है, मादी को भी उतारते हैं अभी नीचे हम लोग। और भी दिखाएंगे अभी आपको, लेकिन यहां से एक बार आपको इनकी बैठक, खड़े होने का अंदाज, इनका पंख मारने का अंदाज देख लीजिए आप। और भी बहुत सारे हैं अभी तो भाई, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, जो ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है। ये एक और पेड़ है, ये भी चंदा खानी है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप इनमें देखिए किसी की चोच अलग दिखेगी आपको, किसी की खोपड़ी बड़ी दिखेगी, कोई फूल वाला दिखेगा, फूल वाले तो सभी है, इसका स्ट्रक्चर लंबा दिखेगा, किसी का चौड़ा दिखेगा, नर कैसा है, मादी कैसी है। बहुत सारे जो शौकीन होते हैं बताते नहीं है बहुत सारी चीजें अंदर की, लेकिन वो आपकी नजर है जो ढूंढ के निकाले कि आप इसमें देखिए, जैसे कि मादी की साइज छोटी है, नर की साइज बड़ी है। तो ये जो जोड़े लगे हुए हैं, ये बहुत ध्यान से आप देखिए इस वीडियो को, क्योंकि हर चीज बताने लायक नहीं होती है, वो समझने लायक होती है जो आप समझिए। तो मैं आपको नर की आंखों का शौक कराता हूं सबसे पहले। ये देखिए नर की आंख, क्या बात है। और पास ले चलते हैं, बहुत शानदार। टोटल खानी कबूतर आपको दिखा रहे हैं, चंदा खानी, रामपुरी। और भाई साबिर भाई को एक एक पैर के यहाँ पे 60-70 हजार रुपए मांग भी लिए लोगों ने, लेकिन दिए नहीं है कबूतर, देते ही नहीं है साबिर भाई कबूतर। साबिर भाई क्या रीजन है आप कबूतर नहीं देते हैं? मेरा दिल नहीं होता, देता नहीं हूँ। क्या बात, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये इनके पंख देखिए आप, क्या पंख है भाई, वाह। ज्यादा बड़े और ज्यादा छोटे ऐसा नहीं है, बिल्कुल मीडियम पंख है, बहुत चौड़े चौड़े पंख भी होते हैं कबूतरों के। तो इनकी जो उड़ान होती है सागर भाई, किस चाल में चलते हैं? ये जो बीचो बीच उड़ते हैं, और एकदम ज्यादा तेज भी नहीं उड़ते हैं, मीडियम मीडियम। हाँ मीडियम। बाज देरी का शिकार होते हैं? नहीं होते, नहीं होते, जगह छोड़ देते, लंबे हो जाते हैं। क्या बात है, मतलब ये लंबी भी करते हैं? लंबी उड़ान, लंबी पट्टी मारते हैं, फिर लंबे हो जाते हैं। बेरी दिखती है, बाज दिखता है तो लंबे हो जाते हैं। हाँ। फिर दो एक डेढ़ घंटे दो घंटे के बाद वापस आएंगे। क्या बात, फिर घर पकड़ लेते बराबर। अभी इसके पंखों का शौक किया, इसकी पूंछ देख लीजिए आप, ये लंबी पूंछ है इसकी, इसके पंजे हैं। देखिए भाई बता नहीं रहे, लेकिन मैं बताता हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी कतियों की मादी लगाई है इन्होंने, ताकि मीडियम साइज में बच्चे निकले। वो सारी चीजें बताते ही नहीं है बताने वाले। और इसकी आंख देखिए आप, आंख नहीं खोल रही है, इस तरफ की दिखाते हैं इसकी आंख। ये देखिए लड़ लड़के कभी कभी खराब भी कर लेते हैं आंख को। इसके पंख देखिए आप, फिलहाल बीच के एक दो पर गायब है, अभी फिलहाल खरोच कर रही है, मतलब वाइब्रेशन सभी करते हैं। ये देखिए
पैर छोड़ के दिखाते हैं आप, ये देखिए क्या खड़ान देखिए आप कबूतर की। आ हाँ हाँ, अब बोलिए टेडी बनेंगे कि नहीं। ये देखिए नर की खड़ान देखिए आप, ये देखिए पूछ जमीन की तरफ, सीना आसमान की तरफ, क्या बात है। नर देखिए किस तरह से खड़ा है ये नर, अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा, ये तो मैं बोलता हूँ आपको 110%। मजे नहीं आए तो पैसे वापिस बोलते हैं, मजे नहीं आए तो पैसे वापिस बहुत सारे लोग बोलते थे पहले, अभी आपको मजे नहीं आए तो भाई पैसे वापिस है, क्या बात है, बहुत शानदार। और भाई ये देखिए, ये है सराई वाले, सराई वालों के नाम से फेमस हुए, क्यों बोलते हैं इनको सराई वाले? सराई वाले इसलिए वो बोलते हैं, रामपुर में एक हवेली है जी, तो सराई वाले जो फकीर सब मुसाफिर लोग रहते हैं, वहाँ पे एक फकीर को कबूतर मिला था जी, और वो कबूतर से उन्होंने बच्चे बनाए थे, नस्ल बनाई थी, तो वो सराई वाले इनको बोलते हैं। क्या बात है। तो भाई ये एक और स्त्री है इसके सामने, दो अगर मादी देखेंगे चपटे सिर में, नर गोल सिर में थोड़ा, और ये भी रामपुरी कबूतर, लेकिन थोड़ा रामपुरी कबूतरों से इनका जो बदन है थोड़ा हटके, थोड़ा हटके, थोड़े पतले कबूतर, थोड़े से पतले। क्या बात है। तो ये देखिए नर की आंख दिखाते हैं आपको सबसे पहले। और भाई ये सारे कबूतर गए हुए हैं भाई, देखिए पंख, माशाल्लाह पंख है कबूतर के, ये पूंछ देखिए, ये मादी भैंस की, और इनकी भी आंख देखिए आप, ये थोड़ी गोल्डन टाइप दिख रही है मादी, ये क्रॉस है? नहीं नहीं गोल्डन कलर आता है इसमें, गोल्डन कलर आता है, गोल्डन भी होते हैं, बहुत शानदार। बट भाई हाथ में बिल्कुल टिकते नहीं है कबूतर, ये देखिए कितना जोर लगा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक खूबी होती है कबूतर, जब हाथ में हो और जोर लगा रहा हो तो समझ जाइए कि कबूतर में ताकत बहुत है, और ये कबूतर अच्छा उड़ेगा, ये भी एक खूबी होती है। भोपाल के इमरान भाई के जो उस्ताद है पप्पू उस्ताद, उन्होंने मुझे ये बात बताई है, कबूतर पकड़े अगर जीत कोई हाथ में तो और वो भागने की कोशिश करे तो उसको छोड़ियो मत, कबूतर ताकत लगा के उड़ रहा है क्योंकि निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कबूतर में बात होगी कुछ ना कुछ। इसके पूंछ देखिए भाई बिल्कुल बंद, इसके पंजे, आपको जोड़ा छोड़ के दिखाते हैं हम लोगों, आइए ये सराई वाले मादी है, पैर में पहले वाले उसका मेल इधर कीजिए थोड़ा, मेल उसको थोड़ा नीचे कीजिए, हो रहा वो बैठा बीच में, ये देखिए छोड़ करो आगे आ सको, क्या बात है भाई। ये देखिए चंदा खानी सराय वाले सारे कबूतर यहाँ पे निकाले, और कुछ पाकिस्तानी ब्रीड भी है वो भी दिखाते हैं आपको अभी हम लोग। और ये एक और देखिए भाई सराय वाले दिखा रहे हैं आपको, सब अलग अलग डिजाइन में बने हुए हैं, सब अलग अलग ब्रीड्स में बने हुए हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में है, लंबे कुछ छोटे कद में है, कुछ स्लिम है, कुछ चौड़े हैं, ये देखिए तो मेल की आंखों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसकी आंख और ये है इसके पंख हजरात, ये देखिए ये सारे ब्रीडिंग पेयर है, पंख थोड़े खराब हो रखे हैं फिलहाल, पूरे चालू है, पूरे चालू है, पूछ देखिए भाई इसकी फीमेल दिखाते हैं आपको, क्या बात है भाई, वाह कितनी शानदार कबूतर है ये,
पंख है बिल्कुल जैसे होना चाहिए, मीडियम, ज्यादा चौड़े नहीं ज्यादा पतले नहीं। आइए पैर छोड़ते हैं, ये देखिए भाई मेल है और वो पीछे फीमेल, क्या बात है। और ये देखिए भाई सराय वाले काली गर्दन के कलसी रहे, ये देखिए चंदा खानी, ये चंदा खानी है सराय वाले है ना, नहीं चंदा खानी, ये चंदा खानी है, ओके ये चंदा खानी है भाई। तो रामपुर जैसे गांव ने भी भाई बहुत अच्छे अच्छे कबूतर लिए, मैं के यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पंख देखिए लाल कैच में है, ये देखिए वाइब्रेशन, ये देखिए भाई ये पूंछ बिल्कुल बंद, ये फीमेल है भाई, मादी मादी, ओके इसके पंख, इसकी पूंछ और ये है इसके पंजे। मेल भी ऊपर चल गया, फीमेल नीचे है, फीमेल ऊपर लाते हैं हम लोग भाई, एक बार मुझे भी दिखा दें कबूतरों के साथ, मैं भी अपने आप को कुछ करके समझूंगा भाई, क्या बात है। ये सारे कबूतरों के साथ भाई नहीं नहीं मैं तो राजा के जैसा महसूस कर रहा हूँ, इतने अच्छे कबूतर हैं, क्या बताएं इनके बारे में और क्या बोले, ये क्या है क्या है, बहुत शानदार, शब्द नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास बोलने के लिए, क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या चीज है, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड वीडियो की ओर, लेकिन तब तक आपको एक साथ ये जो कबूतर बैठे हुए हैं उनका आपको शौक कराते हैं। सबसे पहले चंदा खानी रामपुरी कबूतरों से आपको रूबरू कराया है हमने आज, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके व्यूज का मैं भूखा हूँ, आपके कमेंट्स का भूखा हूँ, व्यूज का तो नहीं आपके कमेंट्स का भूखा हूँ, व्यूज तो इंशाल्लाह बढ़ते ही हैं बहुत अच्छे। ये सारे कबूतर जो है चंदा खानी कबूतरों से आपको रूबरू कराया, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, और जितने भी भाई चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा एज ए फैमिली मेंबर आप ज्वाइन हो चुके हैं किंग्स पिजन के साथ। तो भाई कैसे लगे आपको साबिर भाई कुरैशी जी के कबूतर जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा, जय हिंद जय भारत नहीं जय राजस्थान।